पूरा का पूरा 15,000 रुपए कैश क्यों ना एडमिन में जमा करते हैं भाई। गाइस जिसने मेरे को 10,000 रुपए पे कर दिए हैं अब मैं सो नहीं जाता। गाइस बहुत ही बड़ा पोपट होता हुआ हमारे साथ। हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज क्या कर रहा था टी-शर्ट ज्यादा ऊपर थी तो तेरे क्या दिख रहे थे कुछ नहीं। Hey, what's up everybody? Welcome back to our channel and this is Rishabh Yadav. तो guys, आज हम जाने वाले हैं जिम का अपना रजिस्ट्रेशन करने क्योंकि बहुत दिन से हमारा अटका हुआ था इसकी वजह से strike. तो गाइज अभी हम जा रहे हैं अपने जिम का रजिस्ट्रेशन करने को कि हम लोग को भी अब बॉडी शॉडी बनानी। पिछले साल भी था मेरा जिम का रजिस्ट्रेशन बट उस टाइम मैंने गया नहीं, इतना रेगुलर था नहीं मैं जिम में, तो कुछ हुआ नहीं इतना ज्यादा, जाता ही नहीं था जिम, रजिस्ट्रेशन था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने जिम का रजिस्ट्रेशन करने। इस बार मेरे साथ ये कुछ नमूने भी आ रहे हैं। क्या नमूने? तू है नमूना हमारे साथ, हम तुझे लेके जा रहे हैं वो बोल। तो गाइज हम लोग जाएंगे पहले जिम का रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर उसके बाद स्लॉट देखेंगे कि हमको कौन सा स्लॉट मिलता है, क्योंकि सुबह 3 स्लॉट होते हैं शायद और शाम के भी 3-4 स्लॉट होते हैं। तो अभी हमको देखते हैं हमको कौन सा टाइम मिलता है जिम के लिए और हम ऐसा टाइम चाह रहे हैं कि हमको जिसमें हमारी कॉलेज की क्लासेस क्लैश ना हो, ऑब्वियसली वैसे ही टाइम लेंगे ना हम लोग 3-4 लोग, जब को क्लास बंद करनी पड़ेगी। गाइज ऋषभ की वजह से, मेरी क्या वजह से, सुबह सुबह बोलता है कि हम जाएंगे, बाद में बोलता है 4 बजे जिम खुलता है। इन लोग एक क्लास के लिए रो रहे हैं गाइज, मैंने यहाँ पूरी क्लासेस सुबह सुबह भीख मांग रहा था गाइस, मैं देख रहा था, मैं जब नींद में से उठा एक कॉल लगा के बोल रहा था भाई मेरी अटेंडेंस लगा देना भाई मेरी अटेंडेंस। तो गाइस अभी चलते हैं सबसे पहले खाना खाने, फिर उसके बाद चलेंगे अपन एडमिन साइट, वहाँ पे फीस देंगे जिम की, फिर उसके बाद अपन जिम ज्वाइन करेंगे और बॉडी शॉडी बनाएंगे गाइस। ये लौंडा और एक वो लौंडा, नहीं वो लौंडा नहीं जाएगा जिम, वो पहले से ही जाड़ा है, वो पहले से ही जाड़ा है गाइस, तो उसको जिम की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये और मैं, हम तीनों जाएंगे। अभी कुछ नए बच्चे हैं उनकी तो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के हालत खराब हो रही है, 6-6 फ्लोर चढ़ने की, उन लोग तो मतलब थोड़ा परेशान हो रहे थे मैं देख रहा था, हम लोग को तो आदत ही हो गई भाई 6-6 फ्लोर चढ़ने। भाई अभी जा रहा हूँ मैं खाना खाने क्योंकि उन लोग खाना खा चुके हैं और मैं नहीं खाया था, तो मैं पहले खाना खा लेता हूँ उसके बाद उन लोग को कॉल करके नीचे बुला लूंगा और फिर उसके बाद वहाँ से अपन निकल जाएंगे एडमिन के लिए। तो गाइज हम निकल चुके हैं अपने जिम का रजिस्ट्रेशन करवाने और खाना खा, मतलब मैं खाना वाना खा चुका हूँ। क्या बोल रहा, इसका चैनल डिलीट हो जाएगा अगर ये इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो नहीं, मेरी क्या गलती भाई, मेरी क्या गलती, क्या बोला 4 बजे शुरू, मेरी क्या गलती है बता, मेरी क्या गलती, दोपहर की कड़ी धूप में लेके जा रहा है गाइस, देखो एक बार आपको पसीना आ रहा है, आना चाहिए पसीना गाइस, जिम जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी पसीना आना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की भाई, अगर नहीं हुआ तो तेरी भाई पता है, नहीं सीधी बात नो भाई, दो हफ्ते से घुमा रहा है तू, चल दे। मैं तो कब से बोला था रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, बट इन गरीबों के पास पैसे ही नहीं थे कुछ भी, देखने दो देखने दो। गाइस आज फाइनली हम रजिस्ट्रेशन करवा ही लेंगे, इसकी वजह से लेट हो गया था बट कोई बात नहीं, फेंक दो भाई इसको उठा के, मैं अभी ऋषभ को फेंक ना ले। गाइस ये उठता है 12 बजे, मैं सुबह 9-8 बजे से उठता हूँ। ए आज मैं 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे गया था, ठीक है तुझे पता है गाइस, तुझे पता ही नहीं होगा, तुझे पता ही नहीं होगा, तू उठा था, तू उठा था, तू 10 बजे उठा है, तो 6 बजे आके तू बाद में सो गया, मतलब क्या हुआ? हाँ तो ना, तो मतलब 12 बजे 12 मतलब यही हुआ ना भाई, पहले आके मॉर्निंग वॉक तो किया थोड़ा सा, मतलब ही क्या है, थोड़ा सा रेस्ट तो करना बनता है ना भाई, मॉर्निंग वॉक के बाद थोड़ा रेस्ट करता है, 1 घंटे भागता है, बाद में बोलेगा मैं 4 घंटे सोऊंगा। गाइस देखो जिम आ गया लेकिन जिम बंद लग रहा है हमको, देखा बोला था ना, ए मैं बोला था, देखा मैं बोला था, मैं बोला था, मैं तेरे को बोला था जिम बंद होगा, क्या होता है जिम बंद है गाइस, मैं इनको बोला था कि जिम बंद होगा लेकिन इन्हीं दोनों ने मेरे को बोला जिम, भाई फिर मेरा क्लास होता है रे, क्लास होता है मेरे को कितनी है, क्लास होता है मैं तेरे को बोला था बंद रहता है जिम, ये दो लोग, कुछ दो लोग बोलते नहीं भाई चालू रहता है जिम, तू तेरे को ऐसा पीछे दिख रहा है नारियल का पेड़, पीछे जिम दिख रहा है मेरे को नारियल का पेड़ जो दिख रहा है ना, देखा मैं बोला था 4:30 बजे खुलेगा, अब 2 घंटे अब क्या करना है बताओ, 2 नहीं 3 घंटे, कोई नहीं तब तक तेरी कुटाई करते हैं, तेरे को आज से बात पता चल गया ना कि ऐसे लाइक नहीं आया करते। गाइस अभी अपना अपना पोपट करवा के हम पी रहे हैं, ये चीजें से क्या मतलब है, गाइस इसने मेरे को 10,000 रुपए पे कर दिए हैं, अब मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता गाइस, इसने दे दिए मेरे को 10,000 रुपए कि अब जिम तो बंद है, तो हमने सोचा कि हम कैश निकाल के पूरा का पूरा 15,000 रुपए कैश क्यों ना एडमिन में जमा करते हैं भाई, एक कार्ड पट 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 ये पट 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 से कुछ गलत इशारे लग रहा है, नहीं भाई कार्ड हम जा रहे हैं बाहर साइड, तो वहाँ से हम कैश निकालेंगे बाहर जाके एटीएम में और फिर उसके बाद हम कैश निकाल के डायरेक्ट एडमिन में कैश जमा करेंगे, कैश डायरेक्ट कैश पेमेंट करेंगे जिम में, जब किस्मत हो गांडू भाई एटीएम ही बंद हो रखा है, रस्सी भी खराब है तेरी वजह से साला, बैड लक मेरी वजह से क्या, बैड लक है बैड लक, पता ही नहीं तेरे को ए तू भाई बैड लक मैं नहीं, तू बैड लक है ठीक है, मैं पिछली बार आया था मेरा पूरा काम एक बार में हो गया था ठीक है, तेरे साथ आया हूँ तो फिर काम ही नहीं हो पा रहा है मेरा, पता नहीं गाइस किसको लेके आ गया भाई, काम ही नहीं हो पा रहा है मेरा, बैड लक कहीं का, जिम भी बंद, सब कुछ बंद, कैश भी नहीं दे पा रहे, मतलब जो आइडिया देता है सारे फ्लॉप होता है गाइस, ये बैड लक है, इसको लेके मत जाओ गाइस साथ में, चलो गाइस अंदर उसे पार्ल यूनिवर्सिटी के
गाइस अब जा रहे हम दूसरे एटीएम और वाला एटीएम तो बंद निकला। अब एक और एटीएम है इस वाले तीन नंबर गेट वाले के सामने यहाँ पे, देखते हैं अगर यहाँ पे निकल जाते तो ठीक है। ये है बैड लक, तू पिछले बार आया ही नहीं था मेरे साथ, ठीक है मेरा सारा काम हो गया था ठीक है। अरे जाना रे दो मिनट में हमारा काम हो जाएगा। तो गाइस अभी देखते हैं काम होता है तो नहीं होता है, और अगर नहीं होता है मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, काम होता है तो ठीक है और अगर नहीं होता है तो इसको बैड लक मान के इसकी। देखा मेरा आइडिया, तेरे को तो याद भी नहीं था कि यहाँ पे भी एटीएम है। बैड लक है तो अभी पैसे तेरे को जाएगा खत्म। तेरे को तो याद भी नहीं था कि यहाँ पे एटीएम है, एटीएम में पैसे खत्म हो जाए। ला जी ऐसे हाथ मार नहीं करके सर। तो गाइस निकाल जो क्या हमने पैसे सारे। हाँ बोलना क्या हुआ। गाइस देखो इतनी लंबी लाइन और हम लाइन में लगे हुए कुछ नादान बालक। तेरी वजह से, मेरी वजह, हर चीज मेरी वजह से ही हो रही है ना, तू भी मेरी वजह से ही हुआ है। पता है एक ट्विस्ट की बात बताऊं, एग्जैक्टली एक साल पहले मैं और दीपक ऐसी लाइन में लगे थे। तो हमने क्या गलती की है? आज वापस हम लगे भाई, ये लाइन आगे ही नहीं बढ़ रही है, होने बिजी हो गया अपनी गर्लफ्रेंड से। भाई ये पार्ट है, वो लौंडा है। अच्छा हाँ लेकिन भाई कई फर्क पड़ रहा है, वो लौंडे में इंटरेस्टेड है। गाइस बहुत ही बड़ा पोपट होता हुआ हमारे साथ, हमको बाद में पता चला इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद कि भाई ऑनलाइन ही होता है। अगर कोई जिम के लिए बुक कर रहा है भाई वो ऑनलाइन ही बुक करे, कैश लेके एडमिन की तरफ ना भागे, हम लोग की तरफ बेवकूफों की तरफ। हमने पता पूछा नहीं था, लेकिन पिछली बार पता ऐसे हुआ था कि मैंने जिम की फीस ऑफलाइन ही दी थी, बट इस बार ऑनलाइन ही कर दिया। तो बेचारे कुछ लोग कुछ वेले में थकान हुई है गाइस, इसका पसीना देख तो कोई बात नहीं गाइस, अब हो गया जो होना था। अब हम लोग ऑनलाइन मतलब कैसे भी करके हमने कैश को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर लिया, अब हम लोग ऑनलाइन देंगे। बहुत ही बड़ा चुतियापा वाला काम किया, बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं, जब नॉलेज नहीं हो ना भाई, तो नॉलेज नहीं हो नहीं जब ऋषभ साथ में। बैड लक गाइस, पिछली बार मेरा बड़े आराम से ऑफलाइन ही हो गया था भाई, जबकि इन लोग को लेके साथ में घूम रहा ना, ये इसको लेके साथ में घूम रहा ना, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही, वरना ये पसीना हो गया हूं मैं गाइस। क्या बोलूं, पिछली बार तो मेरा पास बड़ा आसानी से हो गया था भाई, क्या बोलूं मैं, ये बेवकूफ को साथ में लेके घूम रहा था। तो गाइस अभी बजने वाले हैं 4:30 और हम लोग निकल रहे हैं जिम के लिए, और वहाँ पे जाके हमको स्लॉट बुक करना है। हमने ऑनलाइन बुकिंग कर दी है अभी, और पोपट तो हो गया था भाई, वहाँ जाके हमने कैश निकाला, फिर उसका कैश वापस से डिपॉजिट किया, और बट अब कोई बात नहीं, हमने ऑनलाइन बुकिंग कर दी। अब हम लोग आके सिर्फ स्लॉट सेलेक्ट करना है कि हमको शाम का स्लॉट चाहिए कि सुबह का स्लॉट चाहिए, क्योंकि हमको अपने कॉलेज के हिसाब से भी स्लॉट देखना पड़ेगा कि हमारा कब हम कंफर्टेबल होंगे उस टाइम पे जाने पे, वरना अपने को मॉर्निंग में चाहिए, मॉर्निंग में चाहिए गाइस, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना उस, और मॉर्निंग में होने से क्या होगा ना कि हम लोग का थोड़ा रूटीन सही हो जाएगा, अगर हम लोग सुबह जल्दी उठ के जिम जाने लग गए हैं तो, और हमारी क्लास भी 7:30 होती है, हम सोचे कि मॉर्निंग में ही किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, और ताकि हमको शाम का टाइम फ्री मिल जाए तो उस टाइम पर हम लोग मस्त थोड़ी सी घूमने फिरने वाला काम कर सके, और वो काम कर सके जो आप सोच रहे हैं गाइस। अभी देखो ये लौंडा कॉलेज वाले नहीं ज़्यादा दिन और पहुँच रहा रहता बैठ के चेटिंग करता रहता, चेटिंग हो रही बहुत भयंकर गाइस। अभी अपन निकल रहे हैं और हमको निकलते अभी एक लौंडे से मिलते हुए जाना, उस लौंडे ने गाइस हॉस्टल छोड़ दिया, मिलवा कि एक बार आखिरी बार उसको विदाई देने के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गोरे दिख रहे होंगे। और गाइस मैंने टी शर्ट चेंज कर ली, क्योंकि उस टाइम पे घूमते घूमते हमारा टी शर्ट बहुत पूरा गीला गीला हो गया था पसीने से, इसलिए मैंने टी शर्ट चेंज कर ली। तो गाइस हम निकल चुके हैं जिम के लिए, और नीचे बहुत ही कीचड़ कीचड़ सा हो रहा है, शॉर्टकट के चक्कर में गाइस हम लोग को देखो ऐसा लंबा चल के आना पड़ता, इसलिए हमने ग्राउंड से ऐसा शॉर्टकट यहाँ से डायरेक्ट इधर, थोड़ी सी मेहनत बचाने के लिए ये मीत शॉर्टकट अपनाया। गाइस चींटियों का घर गाइस, हर कुछ लूंगा भाई, दादा भवन देखो फर्स्ट फ्लोर तक काम ऑलमोस्ट हो गया, ले लिया अब तो कहाँ रहेगा, अपन रहेंगे बाहर अयासी में। भाई देखो यही गांडू भी आ चुका है लाइन में लगने के लिए हमारे साथ, देखो हम पहले से लगे हुए हैं, पसीना पसीना हो रखा है, देखो ये लाइन में लगे हुए हैं। 2000 years later. तो गाइस अभी बच चुके हैं 10:30 अप्रोक्स होने वाले हैं, और हमारा फाइनली जिम का पूरा काम हो गया था बहुत ही लंबी लाइन में लगने के बाद, और हमारा एक जिम का कार्ड बन चुका है देखो गाइस, और इसमें इस बार स्विमिंग इंक्लूडेड नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को बोल रखा था जिम और स्विमिंग दोनों इंक्लूडेड रहता है जिम कार्ड में, बट इस बार स्विमिंग इंक्लूड नहीं है क्योंकि पिछली बार था इसलिए मैंने बोल दिया था, बट अभी अगर देख रहे हो भाई तो 5000 में जिम और स्विमिंग दोनों इंक्लूड नहीं है, मैं बता देता हूँ ठीक है, तो ये जान लो गाइस। और अब मिलते हैं कल सुबह 4:00 से, अभी 4:00 से जाएंगे हम लोग, तो मैं ब्लॉग ऑब्वियसली बनाऊंगा, और इन लोग की बहुत गाइस फट रही है, ये देखो ये फट्टू लोग की फट रही है कि 4:00 हम कैसे उठेंगे, कोई चिंता नहीं है, अभी अभी ये सब तो नहीं बोल रहा था तू, नहीं तूने गारंटी लिया था जगाएगा, जगाऊंगा और एक ही बार जगाऊंगा, लात मार के जगाऊंगा, उसके बाद भी नहीं उठाता चला जाऊंगा। हां मैं तब तक उठ जाऊं और देखते तो जगा पाएगा नहीं, बाकी कोडिंग चल रही बहुत भयंकर। अब क्या बना रहा है, प्रमोशन देखने को मिल जाएगा, ऋषभ भी प्रमोट कर रहा है तो आप उसका काम यही है। तो गाइस वो देखो बाकी लौंडे भी हमारे वो देखो पड़े हुए हैं, पता नहीं कुछ फोन में देखते हुए,
अरे देखो 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 कैसे बोला छी, ऐसे लोगों के पास नहीं जाता हूँ गाइस मैं। और अभी कल से जाते हैं जिम गाइस, सुबह 4 बजे उठते हैं, देखते हैं उठ पाते हैं कि नहीं उठ पाते हैं, जैसा भी होगा। वैसे तो जनरली हम 3 बजे सोते हैं, हम 4 बजे उठेंगे कैसे। तो अब ये चीज देखने के लिए आगे का व्लॉग क्या बोलते हैं तो अब देखते हैं क्या होता है, कि हम ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के जिम जाना मतलब बहुत ही बड़ी बात है ये हमारे लिए, क्योंकि हम इतने टाइम पे तो सोते हैं गाइस। तो अगर यही हमारा चैलेंज होता, हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये देखने के लिए बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक गुड बाय।